नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, भारत सरकार ने जो अग्निपथ योजना चलाई है भारतीय सेनाओं में भर्ती होने के लिए, उसमें दोस्तों आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए खास मौका दिया गया है। दोस्तों आप इसमें दोस्तों आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए खास मौका दिया गया है। दोस्तों इस बार भारतीय सेना में आईटीआई वाले कैंडिडेटों को वैधता दी जाएगी। दोस्तों तीनों सेनाओं में, दोस्तों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर आपका सपना भी देश में जाकर देश सेवा करना है तो देश सेवा करने के लिए दोस्तों यह सुनहरा मौका है। बाकी क्या इसकी टर्म और कंडीशन है वो आपका आज इनका ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ और सारे उस ऑफिशियल नोटिस के बारे में बताता हूँ। दोस्तों अग्निपथ योजना देश सेवा का सुनहरा मौका, बने अग्निवीर, आईटीआई उम्मीदवारों के लिए खास मौका। दोस्तों इसमें एज 17.5 से 21 साल है और कुछ पोस्टों के लिए 23 साल भी एज दोस्तों रखी है, एज रजिस्ट्रेशन भी दिया गया है। दोस्तों यह दोस्तों 4 साल के लिए भर्ती रहेगी और इसमें जो आपको पैकेज वगैरह मिलेंगे वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छे पैकेज हैं। अगर मैं किसी बाकी दोस्तों आईटीआई कैंडिडेट के लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देश सेवा करने के लिए, इसके ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं। दोस्तों तो दोस्तों इस भर्ती के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साथ होंगे वो 1 जुलाई से दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर 10th पास, 8th पास, आईटीआई कैंडिडेट, 12th पास सभी अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों इनरोलमेंट में आप देख सकते हैं कि यह सर्विस ओनली 4 साल की रहेगी। पहले आर्मी में परमानेंट कमीशन पर भर्ती होते थे बट अब ओनली 4 साल के लिए कर दी गई है। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि वो इसमें फॉर्म भरे या जाए या फॉर्म नहीं भरे, आपको अपने फ्यूचर के बारे में खुद ही डिसाइड करना है दोस्तों, आप खुद समझदार हैं। बाकी इस नोटिस की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा और आपको एक सेवानिधि पैकेज भी दिया जाएगा। बाकी आर्मी की जो सारी फैसिलिटी मिलती हैं वो आपको दी जाएंगी, एक सर्विसमैन का कोटा दिया जाएगा, ईसीएच कार्ड, कैंटीन कार्ड, सारी दोस्तों आपको फैसिलिटी दी जाएंगी। इसमें दोस्तों एक कंडीशन है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और आप आर्मी में अच्छा प्रोसेस करते हैं तो दोस्तों 25% कैंडिडेट को परमानेंट कर दिया जाएगा, बाकी 75% को वापस भेज दिया जाएगा दोस्तों। तो इसमें पहले ऐसा था कि आर्मी में जब भर्ती होते थे तब 100% कमीशन थे, शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं था, लॉन्ग टर्म था, बट अब शॉर्ट सर्विस कर दिया गया है। और बाकी अगर आपको भारतीय सेना में जाना है तो अब यही अग्निवीर ही अपॉर्चुनिटी रही है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि साल में आपको ओनली 30 डे की लीव ही मिलेगी, पहले 60 डे लीव मिलती थी बट अब सालाना आपको 30 डे लीव मिलेगी। बाकी सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि आपको पर ईयर वाइज कितनी सैलरी दी जाएगी, आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जब आप रिटायर होंगे तो आपको 10,40,000 आपके रिटायरमेंट के टाइम पैसा दिया जाएगा दोस्तों, ये इनका सेवानिधि पैकेज रहेगा। बाकी आपको अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलेंगे, आपके इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी कराया जाएगा, अगर आपको सर्विस के दौरान कुछ हो जाता है तो आपका इंश्योरेंस है दोस्तों 48 लाख का, आपको 48 लाख रुपये दिए जाएंगे। बाकी इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें जो आर्मी के अंदर अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स जाएंगे, इसमें इन्फेंट्री और क्रॉप्स सभी इंक्लूडेड है, उसके अंदर 10th पास मांगा गया है दोस्तों 55% के मार्क, और एज लिमिट अग्निवीर की 2 साल एक्सटेंड कर दी है दोस्तों, 17.5 साल से 23 साल है, यह सिर्फ इस साल के लिए है, नेक्स्ट साल 17.5 से 21 साल ही रहेगी दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अग्निवीर टेक्नीशियन है उसके लिए दोस्तों 12th पास मांगा गया है साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। स्टोर कीपर क्लर्क टेक्नीशियन ऑल आर्म्स के अंदर दोस्तों 12th पास मांगा गया है सभी सेम से, क्वालिफिकेशन दोस्तों सारी सेम है, कुछ चेंजमेंट नहीं है इसमें, सारी क्वालिफिकेशन सेम है। एक्स सर्विस जिन बच्चों के पास रिलेशन सर्टिफिकेट होता है इसमें उनके लिए जो छूट है वो भी सब कुछ सेम है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसका सेम है,
कोई भी चेंजमेंट नहीं था। जैसे आर्मी का होता आया है वही है कि आपको 5:30 मिनट में अगर आप आते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में आपको 60 नंबर दिए जाएंगे, और अगर 5:31 से 45 के बीच में आते हैं तो आपको सेकंड ग्रुप में 48 नंबर दिए जाएंगे। ये आपके बीम के नंबर है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने जितने आप बीम लगाएंगे उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे और आपकी मेरिट डिसाइड होगी। बाकी मेडिकल एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम सभी इसमें इंक्लूडेड हैं, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो सारे बताए हुए हैं। और दोस्तों इसमें जो एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं जिन पर रिलेशन सर्टिफिकेट है उनको 20 मार्क्स दिए जाते हैं, उनका भी मेंशन है। एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए भी है, अगर इसमें आपके पास ए है तो 5 नंबर, बी है 10, सी है 15। और सोल्जर टेक्निकल में जीडी और का एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आपके एनसीसी सर्टिफिकेट है। और दोस्तों इस बार इन्होंने क्लर्क के में भी एग्ज़ाम नहीं मांगा है, अगर सी सर्टिफिकेट आपको क्लर्क में भी एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास ITI है तो ये है पहली बार हुआ दोस्तों, फर्स्ट टाइम। अगर आपके पास 1 साल की ITI है तो आपको 30 नंबर में दिए जाएंगे, 2 साल की ITI है तो आपको 40, और डिप्लोमा है तो 50 नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है, ITI कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो मेरिट बनेगी अगर आपने ITI की है और आप टेक्निकल ग्रुप में जाएंगे तो आपको 40 नंबर का ईजिली मिल जाएंगे। तो ITI वाले कैंडिडेट जिन्होंने ITI पास आउट कर लिए हैं तो उनके लिए तो ये है अच्छा चांस है दोस्तों। बाकी दोस्तों इसके फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वह 1 जुलाई से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और नवंबर तक इसका बैच दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट बैच जो होगा इसका नवंबर तक स्टार्ट हो जाएगा, आप अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और जिसको जो सही लगे कि अप्लाई करना है नहीं करना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस वही है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है दोस्तों, कि कुछ चेंजमेंट करेंगे, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है दोस्तों, सारा कुछ सेम है जैसा आर्मी का होता आया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन टच। जय हिंद, वंदे मातरम।